आइए बच्चों, पाठ दो कविता हमारी जो हिंदी की है, उनके कवि के बारे में थोड़े से संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, इंडेक्स में पहली इकाई में पाठ दो। कविता के कवि हैं जगदीश चंद्र तिवारी जी। देख रहे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखो, आपका कविता जो है, अगले वीडियो में इसके अर्थ के साथ, कविता गायन और अर्थ के साथ इसे मैं समझाऊंगी। जगदीश चंद्र तिवारी जी उदयपुर के नामचीन शायर और कवि हैं। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में एक से बढ़कर एक रचनाएं की। वे कई साहित्य लिखे हैं इन्होंने। इनका जो जन्म है 22 नवंबर 1950 अजमेर में राजस्थान में हुआ। शिक्षा एमए बीएड साहित्य बहुत सारे यहाँ पे आप लोग देखो लिखा हुआ दिखा आपको। हारा नहीं हूँ मैं, हो रही है अब शहर, दोहा संसार, मुँह से कुछ बोला नहीं, गुनगुना रे मन गुनगुना, ऐ मेरी जाने, ये सब जो है इनके साहित्य कविताएं हैं। प्रसारण उदयपुर आकाशवाणी से गज़ल और कविता और गीत का होता रहा है इनका। देखिए इनके जो कविताएं हैं, गीत हैं, यहाँ पर कुछ एक दो जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हार कभी ना मानना, होना नहीं अधीर, कर्म से मुख न मोड़ना, बदलेगी तकदीर। अगर आप हार नहीं मानोगे, अपने कर्म को करते रहोगे, तो हमेशा आपकी तकदीर बदलेगी। आप हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहोगे। तकदीर बदलना मतलब हमेशा ऊंचाई की शिखर पर चढ़ना, आगे बढ़ते रहना। अगला ऐसे ही अगली जो कविता है वो भी बच्चों इसी प्रकार है। हर कविता से हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है। कवि का उद्देश्य ही होता है कविता के साथ में समाज को, लोगों को कोई उद्देश्य, कोई संदेश देना। आगे आगे चल रहा पीछे का न ध्यान, पाछे गर कुछ हो गया घट जाएगा मान। कर सकता है हर काम हर कोई इंसान, जब कोई भी आदमी लेता मन में ठान। हर कविता में देखो बच्चों, संदेश आपको जरूर मिलता है। उस संदेश को आपको आत्मसात करना चाहिए। बहुत अच्छी कविता ये भी है कि हमें आगे आगे चलते रहना चाहिए। पीछे अगर हम देखेंगे तो हमेशा हमें क्या होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा। और अगर हम कुछ भी मन में ठान लेते हैं करने का, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अगर मेहनत करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, हमारी जीत होगी। हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार बच्चों इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। आप लोग एक कविता भी पढ़ोगे अपने पाठ में। एक और गीत यहाँ पर देखो बच्चों, कविता है, समय गया तो पास कुछ नहीं रहेगा साथ, समय बड़ा बलवान है थाम उसी का हाथ। सम्मुख जब तक हो रहा मीठे बोल बोल, पीठे फेर कर क्या गया बोल, हो गए मोल। इस प्रकार बच्चों इनकी जो कविताएं हैं उससे आपको, देखिए आप लोग ध्यान दो तो बहुत अच्छे संदेश मिल रहे हैं कि समय बहुत बलवान होता है, उसी के साथ हमें चलना चाहिए। और हमेशा सबके सामने देखो दिया है सम्मुख जब कि सम्मुख अगर कोई रहता है तब तक हम मीठे बोल बोलते हैं, जैसे ही वो चला जाता है तो हमारे बोल जो है अनमोल हो जाते हैं। अर्थात क्या, अर्थात हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, अपने सारे कार्य हमें वर्तमान में ही पूर्ण करने चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं होता। अब अगले वीडियो कविता के अर्थ को